अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप लोग सब खैरियत से और ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। चलें आए आज बनाते हैं बिरयानी। कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद प्याज डालें, बस थोड़ी सी ही बना रहे हैं हम, बच्चों ने ज़िद करी थी। ज़ीरा डालें आधी चम्मच, ब्राउन हो रही है, इसको बिल्कुल ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। ब्राउन हो गई है, हम निकाल लेते हैं बस इसको, सबको बहा लेंगे हम। गोश्त ये बॉइल कर लिया था हमने रात में, क्योंकि इधर की लाइट नहीं थी, इस चक्कर में बॉइल करना पड़ा था हमारे को। ये देखिए आप लोग, देखिए अब डालें का पेस्ट, मान रही हूँ। देखिए तो मिक्स करिए, इसमें डालें मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने शान वालों का मसाला डाला है इसके अंदर, मसाले के अंदर थोड़ा सा पकने देंगे गोश्त को, कि अच्छे से इसके अंदर ये रस बस जाए। मसाला क्योंकि नहीं था इसमें, हमने सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था गोश्त को, कि ख़राब ना हो। मसाला ये अच्छे से भुन रहा है, बस थोड़ा सा और भुन जाए तो बाकी के मामला फिर करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलते हैं। मिर्चे डाल दें इसके अंदर, मसाले के अंदर ऐड होंगी, और इसके अलावा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, और बाकी इसके अलावा ऊपर से भी डालेंगे इसके अंदर। ये हम सिर्फ मसाला कौरमे का जो तैयार होता है, बस हम वो तैयार कर रहे हैं। ये हो चुका है, इसमें दही डालें अब आप। मैंने 200 ग्राम दही ली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा क्वांटिटी के, आपके कितनी क्वांटिटी लेनी है इसकी, दही वगैरह की आप कितनी बना रहे हैं। मैं तो बस 200 ग्राम के चावल के बना रही हूँ। चावल उबालने के लिए ये गरम मसाला खड़ा डाल दें इसके अंदर, साबुत गरम मसाला, नमक, नमक को हल कर लिया हम इसमें, ये पानी बॉयल हो जाता है। हमने चावल पहले से ही बॉयल वो भिगा कर रखे हैं, सॉरी भिगा के रख दिए, साफ करके धो के भिगा के रख दिए हमने एक घंटा पहले ही। बासमती चावल है, पानी बॉयल हो चुका है अच्छे से, बस इसमें चावल, इसमें हम चावल ऐड कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल दिए हैं, अब इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है। एक कनी रहने देने हैं, बस एक कनी हम दम लगाने में करेंगे पूरे। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब इनको हम पसार लेते हैं। बस ये हमने एक तेल कौरमे की लगा दी है इसके नीचे बिरयानी के लिए। अब चावल ऐड करते हैं इसमें,
अच्छे से इसमें। तेल लग गई, फिर से हम कोरमा डालेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पुदीना थोड़ा सा, टमाटर वगैरह। ये तेल लगा दिए बिरयानी में। आप चावल देखिए माशाल्लाह से, चावल कितना अच्छा है। ये देखिए आप चावल को, एक कनी छोड़ा है हमने सिर्फ इसको, और एक कनी से ज़्यादा नहीं छोड़ना हमारे को। जर्दे का रंग डालें ये वाले कलर का, थोड़ा सा आपके पास है तो लाजमी डालना है, अच्छा लगता है इससे। थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर दें, दोनों कलर ऐड कर दिए इसमें, येलो कलर ऑरेंज कलर। दम पे हो चुके हैं चावल, ये देखिए व्यूअर्स बिरयानी बन चुकी है। ये देखें एक एक दाना अलग है व्यूअर्स, और देखिए आप लोग ये अच्छी माशाल्लाह बनी है व्यूअर्स। बिरयानी तैयार हो चुकी है, एक एक दाना अलग है, मिक्स कर ली है हमने। ये देखिए आप लोग प्लीज़ मेरी रेसिपी पे बना के देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मेहनत भी नहीं है और जल्दी से बन जाती है। दुआओं में याद रखें बहुत ज़्यादा। देखिए व्यूअर्स प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो करें, वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा आप लोग, आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।